प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। आइए शुरू करते हैं त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। आइए शुरू करते हैं त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज। तो विद्यार्थियों, त्रिभुज किसे कहते हैं? लिख लीजिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कितनी? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज की हम आकृति ले लेते हैं। ये वाली जो आकृति है, ये एक त्रिभुज की आकृति है। तो विद्यार्थियों, इसमें आप देख सकते हैं कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन। कितनी भुजाएं हैं? तीन। इसका हम नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी। ए से बी एक भुजा, बी से सी दूसरी भुजा, और ए से सी तीसरी भुजा। तो ये तीन भुजा, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। देख सकते हैं आप, ये दो तीन। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? ये यहाँ पे एक कोण, ये दूसरा कोण, और ये तीसरा कोण। तो त्रिभुज में कोण कितने हो गए? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। लिख सकते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अब इन तीनों कोणों का जो योग होता है वे कितना होता है? त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। याद कर लीजिए आप, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में
तीन भुजाएं होती हैं। कितनी? तीन भुजाएं। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां आपको त्रिभुज एबीसी हमने बताया, ये इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति होती है। चलिए विद्यार्थी हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार लिख लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार विद्यार्थियों, त्रिभुज के जो प्रकार हैं दो आधारों पर बांटेंगे। भुजाओं के आधार पर और दूसरा हम कोणों के आधार पर। तो त्रिभुजों को हम भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। अब यहां भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार? तीन प्रकार। और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार ये होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा समबाहु त्रिभुज। बाहु यानी भुजा, भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोणों के आधार पर तीन प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। समझ में आ गया? भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार और कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों के तीन प्रकार। अब भुजाओं के आधार पर कौन कौन से? विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की हो, और समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हो। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण त्रिभुज जिसमें, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो यानी 90 डिग्री से बड़ा हो। इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ये तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर। और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज, ये तीन प्रकार कोणों के आधार पर। चलिए विद्यार्थियों हम
इनके बारे में और समझ लेते हैं। पूजाओं के आधार पर त्रिभुज, हाँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमने समझे थे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर हमने तीन प्रकार समझे थे। पहला विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देख सकते हैं आप त्रिभुज कौन सा, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होगी, जैसे कि एक भुजा ये देख सकते हैं, ये जैसे कि 3 सेमी, ये जैसे कि 4 सेमी और ये 5 सेमी, इस प्रकार का त्रिभुज हो ए बी सी, तीन भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग माप की हैं, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ गया? अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, जो ये तीनों कोण होते हैं वे भी अलग अलग माप के होते हैं, क्योंकि ये तो हम भुजाओं के आधार पर समझ रहे हैं, तो आपको भुजाओं ही समझनी है, भुजाओं के आधार पर भुजाएं अलग अलग, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। चलिए हम इसमें अगला समझते हैं, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? समद्वि, द्वि मतलब दो, सम यानी समान, दो भुजाएं समान, नाम से पता है, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की होती हैं, जैसे कि ए बी सी, ये भुजा 5 सेमी, ये भुजा भी 5 सेमी,
और ये भुजा 4 सेमी। देखिए इसमें दो भुजाएं समान माप की हैं और ये एक भुजा अलग माप की है, तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा समान होती हैं, वे जो अन्य भुजा पे जो कोण बनाती हैं, वे कोण भी बराबर बराबर होते हैं। ये कोण में भी हम समझेंगे, तो ये आप समद्विबाहु त्रिभुज समझिए। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अगला तीसरा, भुजाओं के आधार पर तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम से पता है समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, जिसमें भुजाएं समान हो यानी तीनों भुजाएं समान माप की हो, तो लिखेंगे जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हों, ए बी सी। अब तीनों भुजाएं जैसे कि ये 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी होगी और ये भी 4 सेमी होगी। तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। अब इसमें समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर माप के होते हैं। तो विद्यार्थियों ये हमने समझा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, अब हम समझेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज, तो कोणों के आधार पर हमने कितने समझे थे? तीन प्रकार समझे थे। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? न्यून कोण, नाम से पता चल रहा है कि न्यून कोण। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें या जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी जो तीनों उसके कोण बनते हैं ए बी सी, हम इसमें कोण की बात करेंगे, जो ये तीनों कोण हैं वे न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटे, जैसे कि ये 60 डिग्री
ये 70 डिग्री, 90 डिग्री छोटे हैं, कितने हो गए 60 और 70, 130। अब कितना बचा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो तीनों कोण मिलकर के कितने हुए 180 डिग्री। तीनों कोण न्यून कोण होंगे तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए हम इसमें अगला प्रकार समझते हैं, दूसरा कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, उसमें हम दूसरा समझेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, नाम से पता चल रहा है समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, तीनों समकोण नहीं हो सकते, दो भी नहीं हो सकते, किसी त्रिभुज में एक कोण ही समकोण हो सकता है। हम लिखेंगे जिस त्रिभुज में या जिस त्रिभुज के एक कोण, या इसमें आप क्या कर दीजिए, जिस त्रिभुज का एक एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज कैसा दिखेगा देख लीजिए, ये इस प्रकार का ए बी सी, या दो भुजाएं ऐसे 90 डिग्री कोण बनाती हैं, तो एक कोण क्या होगा समकोण होगा, यानी 90 डिग्री। समकोण कितने डिग्री का होता है, समकोण, सम कोण बराबर 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, और ये जो दो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, ये समकोण त्रिभुज। इसी में अगला तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, नाम अधिक कोण, तो एक कोण अधिक कोण होगा, लिखेंगे जिस त्रिभुज में या जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण अधिक कोण उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये इस प्रकार से हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अब यहां देख सकते हैं ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये अधिक कोण है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि हमने आज की कक्षा में जो समझा त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति होती है। त्रिभुज में
एक दो तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने समझा। इसके बाद हमने समझा था त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये हमने समझा था। इसके बाद में हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, पहला विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और भुजाओं के आधार पर दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं समान माप की होती है और तीसरी भुजा अलग होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हमने समझा था तीसरा समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं एक ही माप यानी समान माप की होती हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसके बाद हमने समझा कोणों के आधार पर त्रिभुज, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण न्यून कोण होंगे। फिर हमने समझा दूसरा समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण यानी 90 डिग्री का। और हमने इसमें तीसरा समझा था अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, एक अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा हो। तो विद्यार्थियों हमने आज की कक्षा में त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकारों को अच्छे से समझने का प्रयास किया, आप भी इनका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।